अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। और आज मैं अगेन लेके आई हूँ जी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी वाइटनिंग के हवाले से। काम आपने एक करना है, फ़ायदे आपको दो मिलने हैं और रिज़ल्ट ऐसा जैसे कोई महका फेशियल करवाया हो। ये आपके फेस के ऊपर, आपके हाथ और पाँव के ऊपर क्या करेगा जी, एज आ स्क्रबिंग काम करेगा, एज आ मास्क काम करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट हैं। एक ही दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन जो है एकदम ग्लो करने लगेगी, इतना बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। तो चलो जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप नीट एंड क्लीन बाउल ले लें और इसमें जो पहली चीज़ हमने ऐड करनी है वो करनी है जी चीनी। चीनी को आपने क्या करना है कि अगर आपके पास मोटी चीनी है तो आपने उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है। बहुत मोटी चीनी नहीं लेनी, इस तरह आपने थोड़ा ही इसको बारीक कर लेना है, क्योंकि बहुत मोटी चीनी जो है वो आपके फेस के लिए ठीक नहीं, इसलिए आपने उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है। इस तरह से हो, बारीक सी चीनी हो, ठीक हो गया। एक चम्मच भर के आपने उसका ले लेना है और ये क्या करेगी, आपके फेस के ऊपर स्क्रबिंग का काम करेगी, जितनी भी मैल कुचल होगी वो उतार देगी। और जो सेकंड चीज़ होगी वो लेनी है जी हमने कॉफ़ी। कॉफ़ी क्या है जी, वो भी आपके फेस के ऊपर वाइटनिंग का काम करेगी और ये स्क्रबिंग के साथ साथ आपके फेस के ऊपर वाइटनिंग मास्क का भी काम करेगी जी हाँ। तो यहाँ पर हमने कॉफ़ी ऐड कर लेनी है। तो सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही फ़ायदे वाली हैं। ये रेमेडी खास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे काफ़ी थोड़ी कम लगी थी तो मैंने थोड़ी और ऐड कर ली है। तो इन दोनों चीज़ों को आपने ऐसे ही मिक्स करके रख लेना है, आपने इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, जस्ट इन दोनों चीज़ों को ऐसे मिक्स करके रख लेना है। उसके बाद हमें जो चीज़ चाहिए होगी अपने फेस पे लगाने के लिए वो चाहिए होगा एक अदद टमाटर। आपने टमाटर ऐसा लेना है जो सही पका हुआ हो, जूसी टाइप हो, सख्त टमाटर नहीं लेना। तो एक अदद टमाटर लेके उसको आपने हाफ़ कट कर लेना है। हाफ़ कट करने के बाद हम छुरी की मदद से इसके अंदर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। आप ज़्यादा सारे इसके ऊपर कट लगाएंगे और कट लगाने का फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर जितना भी जूस होगा वो सारा निकल के आएगा आपकी स्किन के ऊपर। और टमाटर आपको पता है कि वो भी वाइटनिंग का काम करता है, ब्लीचिंग का काम करता है आपके फेस के ऊपर। तो आपने टमाटर के ऊपर फिर क्या करना है, जो आपने मिक्सचर बनाया हुआ है उसको टमाटर के ऊपर लगा लेना है। मिक्सचर अलहदा बनाने का फ़ायदा ये है कि आप जितनी दफ़ा चाहें उसको लगा के अपने फेस पे, अपने हाथों और पाँव पे अप्लाई कर सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आप टमाटर पे एक ही दफ़ा लगा के तो लगाएंगे तो वो फिर पूरे आपके फेस पे, आपके हाथों और पाँव पे लगाया नहीं जा सकेगा। तो अभी मैंने हाथों पे अप्लाई करना है तो मैंने ये हाथों के लिए ऊपर सही बार लिया है टमाटर को, बाकी जो बचा है वो अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने हाथों और बाज़ों पे जितना लगाना था उतना मैंने टमाटर के ऊपर लगा लिया है। अब इसको अच्छे से मैं रब कर लूँगी। अब यहाँ पे देखें कि जब आप इसको अपने हाथों पे, पाँव पे, अपने फेस पे इस तरह रब करेंगे तो ये क्या करेगा, आपके फेस के ऊपर एज आ स्क्रबिंग काम करेगा। और बहुत ही जैसे सॉफ्ट हैंड हम यूज़ करते हैं उससे भी अच्छा टमाटर जो है वो चीनी के साथ स्क्रबिंग का काम करेगा। तो फिर आपने उसको इस तरह से छोड़ देना है। 10 मिनट आपने स्क्रब कर लिया एंड 10 मिनट आपने जो छोड़ना है वो आपके फेस के ऊपर एज आ मास्क काम करेगा, ठीक हो गया। अब देखिए, जब आपने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, मास्क का काम तो ये करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या करेगा कि आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन ख़त्म करने के साथ साथ झुर्रियाँ भी ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये खिंचाव लेके आएगा। देन उसके बाद आपने सिंपल पानी से इसको वॉश कर लेना है और देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का हाथ पे ग्लो आया है। तो सोचें आपके फेस के ऊपर कितना ग्लो आएगा। तो इसको रेमेडी को आपने इसी तरह छोड़ नहीं देना सुन के, बल्कि आप जब भी किसी फंक्शन में जाएं, आपने कोई ईद हो, फंक्शन हो, या कहीं किसी पार्टी वगैरह में जाना हो तो इसको लगाएँ, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो बिज़ी लाइफ गुजार रहे हैं उनको ये एक ही रेमेडी से दो फ़ायदे मिल रहे हैं तो वो इसको ज़रूर यूज़ करें, शॉर्ट टाइम में उनको फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर आजमाइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेमेडी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।